प्रयागराज में चोरियों को और ख़ासतौर से वाहन चोरी को लेकर के प्रयागराज पुलिस महीनों से हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे थे। कई सारी गाड़ियों हम लोगों ने इस मद में बरामद भी की और इसी बीच में हमने 20 तारीख को देखा कि शहर में अचानक कई सारी लग्जरी गाड़ियों की चोरी हुई है। तभी से हमारी टीम सक्रिय थी, हमने इसको चुनौती के रूप में लिया था और हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूत्रों के माध्यम से टीमें लगा करके रखी थी। इस क्रम में जब हमें सूचना मिली कि कुछ वाहन चोर हैं जो लोग और भी गाड़ियों को चुराने की प्रयास कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, तो टीम जा करके उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में उसके बाद उन्होंने बताया कि और भी गाड़ियाँ उन्होंने जो चुराई हैं उनको कहाँ रखी है। इस तरह से टोटल 5 गाड़ियाँ उन्होंने बरामद करवाई। वो गाड़ियाँ हैं व्हाइट कलर की, एक फॉर्चुनर है, ब्रेजा है, इको स्पोर्ट्स, क्रेटा और सफारी गाड़ियाँ हैं जिसमें जो बरामद हुई हैं। पूछताछ के क्रम में और भी उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो लोग कैसे लग्जरी गाड़ियों के लॉक सिस्टम को, डिजिटल लॉक सिस्टम को ब्रेक करने में उन्होंने महारत हासिल की थी। उन्होंने जो भी इसके लिए जो डिवाइस थी, टेक्नोलॉजी थी, उसका उपयोग किया। इसके अलावा गाड़ी की जो शीशे हैं वो ब्रेक ना हो इसके लिए भी वो लोग एक प्रयास करते थे। ये भी था कि गाड़ी के शीशे वो लोग कैसे निकालते थे। उनकी एक प्रॉपर तैयारी होती है कि इन गाड़ियों को कैसे चुराया जाए, फिर कैसे ले जाया जाए बाहर, फिर इन गाड़ियों की डिस्पोजल करने के लिए भी इनकी एक व्यापक तैयारी रहती थी कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो दुर्घटनाग्रस्त हैं उन गाड़ियों को ले लिया जाए और उन गाड़ियों का जो नंबर प्लेट है, उनके जो कूटरचित कागज़ हैं वो बनवा करके और उसके बाद से उस गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर बेचा जाए। यह एक इंटर स्टेट गैंग है जो यहाँ पर प्रयागराज में, प्रयागराज के अलावा बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल, कई सारे स्टेट्स में लोग सक्रिय हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें और भी गाड़ियाँ मिलेंगी और भी अभियुक्त, जो कुछ मुख्य अभियुक्त अभी भी बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें RTO का भी कोई कर्मचारी शामिल था क्या? हमें कोई सूचना नहीं। कहाँ गाड़ी बेचा करते थे आपकी? ये लोग गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में लोग गाड़ियों को सेल किया करते थे।